जब सारी दुनिया हाईटेक होते जा रही है तो भला चोरी करने की घटना कैसे ना हाईटेक हो। एक ऐसा ही मामला चोरी करने का बेगूसराय जिले में बस स्टैंड में घटी है। घटना के संबंध में बता दूं कि पूर्णिया जिले से चलकर ठेकेदार मानस कुमार के देखरेख में नल जल योजना में काम करने वाले श्रमिक की है। उक्त मजदूर ठेकेदार से 40,000 रुपये लेकर अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बेगूसराय से बस पकड़ने के लिए पूर्णिया जाने के लिए बैठा था बस के इंतज़ार में। तभी 3 की संख्या में चोर बड़े सातिराना ढंग से उक्त युवक से आए और सांठगांठ की। उन चोरों ने ये भी कहा कि हमें भी पूर्णिया ही जाना है, हम लोग साथ में ही चलते हैं। इतने में एक और व्यक्ति आया जो बताया कि मेरा 65,000 रुपया किसी ने ले लिया है, आप लोगों ने देखा है। इस पर उस युवक ने बताया कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ एक आदमी को देखा कि यहाँ से एक थैला लेकर के जा रहा है। बस इन्हीं बातों को लेकर के उन तीनों युवकों ने उस श्रमिक से ज़बरदस्ती उसके 40,000 रुपये छीन कर भागने लगे। तभी उस युवक ने भी शोर मचाया और अपने साहस का परिचय देते हुए एक चोर को पकड़ लिया। इस पकड़ धकड़ की कहानी में चोटें भी उक्त युवक को आई हैं। फिलहाल वो युवक जिसने उस चोर को पकड़ रखा था उसे टाउन थाना बेगूसराय के अंतर्गत रखा गया है। पुलिस थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि उक्त चोर जो है वो बेगूसराय के पोखरिया निवासी सुरेश पासवान है और आए दिन इस तरह की घटना में इन लोगों की संलिप्तता रहती भी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बेगूसराय बस स्टैंड दिन हो या रात हो लोगों की संख्या कभी कम नहीं होती और इस तरीके के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो चोरी का घटना का अंजाम दिया गया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। प्रशासन को चाहिए कि दिन हो या रात हो कम से कम सार्वजनिक जगहों पे अपनी मुस्तैदी तय करें। क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। जोर से बोलो। मोहम्मद अमीन। पिताजी का क्या नाम? मोहम्मद इसराइल। घर? इस्लामपुर डबा, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया। जिला पूर्णिया से यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ विक्रमपुर में काम करते हैं, नल जल का। नल जल का क्या हुआ था तुम्हारे साथ कल? वहाँ पे हम मुखिया जी परसों शाम को मेरे को पैसा दिया, कल हम जा रहे थे, मेरी बहन का शादी है, कल हम जा रहे थे तो यहाँ पे बस स्टैंड में 3 आदमी मिलके मेरा पैसा छीन कर लिया। उसके बाद आदमी वो एक व्यक्ति को पकड़े हम लोगों के सहयोग से और उसको थाना में रखा गया। ये जो पेपर है ये केस किया है जी? नहीं जी, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे 40,000 रुपये निकाल कर दूसरे आदमी को दे दिया और वह पैसा लेकर भाग गया जी, उल्लिखित है जी। ठीक है, चोर पकड़ाया हुआ है जी, चोर पकड़ाया। क्या नाम है चोर का? सुरेश पासवान। सुरेश पासवान। सुरेश पासवान। 40,000 रुपये हमारे छीन लिए, वो सही है? सही है। आप इसके साथ थे? साथ थे।